हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के साइंस और जीके की तैयारी किस तरह से की जाए और कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो की जाए, ये आज मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा। और मुझे इन सब्जेक्ट को कवर करने में किन कौन सी परेशानी हुई ये भी आप लोगों को भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग खुद को उससे रिलेट कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बुक लिस्ट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास सेम ही बुक लिस्ट होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस या जीके के लिए यही सारी बुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहती है। तो मैंने जो फॉलो की थी साइंस और जीके के लिए बुक लिस्ट, तो पता लुसेंट का डिस्क्रिप्टिव आता है मार्केट में। तो अगर आप इस ये बुक आपके पास नहीं है तो आप लोग इसे जल्द से जल्द खरीद लें, और इसके पीछे के जो साइंस के जितने भी पोर्शंस हैं उसे आप रटने की कोशिश ना करें। पहले एक बार रीड कर लें, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम में उसे क्रैम करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। मैं जो था इस बुक को पढ़ रहा था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि मैं पढ़ रहा था और बार बार जो है मैं भूल जा रहा था। तो मैंने सबसे पहले तो एक बार रीडिंग कर ली, उसके बाद सेकेंड टाइम में मैं क्या किया कि जब मैं पढ़ रहा था, तो जैसे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं पहली बार पूरी रीडिंग कर ली और सेकेंड बार जो है उसको नोट्स बना बना के एक कॉपी में लिख लिया, और फिर जो है उसी नोट से मैं थर्ड टाइम जो रिवाइज करते टाइम जो है उसको उसी कॉपी से याद याद किया। तो इस तरह से जो है वो थोड़ी बहुत मुझे याद हो गई। 100% आपकी जीके कभी भी कवर नहीं होने वाली और ना ही याद होने वाली। तो ये तरीका फॉलो करें तो जितनी होगी मैं कह सकता हूँ कि अच्छे से आपकी प्रिपरेशंस इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद जो है जब आप लुसेंट पूरा कर लेते हो, तो ये एसपीबी की साइंस की बुक आती है। बेसिकली जो है ये क्वेश्चंस आंसर के तौर पे दिए हैं, क्वेश्चंस दिया है साइड में इसका आंसर दे, ये पूरा लुसेंट बेस्ड है। एक दो क्वेश्चंस भी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, लेकिन लगभग लगभग ये लुसेंट ही है। तो आप इसे रीडिंग कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, तो आपका लुसेंट ठीक से तैयार हुआ या नहीं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के बारे में। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे ज्योग्राफी हो गए, और कुछ स्टैटिक्स पोर्शंस भी होते हैं। तो एक ये पार्ट हो गया और दूसरे पार्ट जो है वो करेंट के पार्ट हो गया। मैंने बेसिकली जो था मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पर ही अपना ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस तीनों सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर लूँगा तो मेरी जो है रिजल्ट हो जाएगी। इस सेक्शंस को मैंने सबसे लास्ट में किया, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को जो था उसमें भी मैंने सिलेक्टिव स्टडी की। तो बुक लिस्ट जो है मैंने स्पेशली कोई स्पेशल बुक नहीं खरीदा, मैंने लुसेंट को ही फॉलो किया और लुसेंट से ही स्टैटिक्स में सिलेक्टिव स्टडी की। सबसे पहले मैंने जो है हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री में जो है मुझे तो मज़ा नहीं आया पढ़ने में, तो उसके बाद मैं पॉलिटी पे शिफ्ट हो गया। तो पॉलिटी के सारे सेक्शंस पढ़ने में थोड़े इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने पॉलिटी पढ़ा, कुछ कुछ आर्टिकल्स याद किए, बेसिकली फंडामेंटल आर्टिकल्स जितने भी थे वो सारे कंप्लीट किए, और क्या क्या काम होते हैं, कितने कितने एज तक कौन कौन अपने पोस्ट पर रहता है, मैक्सिमम एज कितना रहता है, कौन से आर्टिकल से उसका चुनाव होता है। तो ये बेसिकली मैं इसी लुसेंट से इन्हीं सारी चीज़ को पॉलिटी से पहले कंप्लीट किया, फिर इकोनॉमिक्स से मैंने 5 ईयर कंप्लीट किया, हिस्ट्री से मैंने मिडाइवल और कुछ कुछ एंशियंट में बुद्धा पार्ट हो गए, जैसे कि दक्षिण वाला मैंने नहीं किया था, फिर उसके बाद बुद्ध हो गया, महावीर हो गया और मौर्य साम्राज्य हो गया, ये सब मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स जो है वो एंशियंट हिस्ट्री से कर लिया, मिडाइवल से मैंने मुगल काल कर लिया, और दिल्ली सल्तनत जितने थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में तो 5 ईयर प्लान किया, और उसके बाद मैं बेसिकली स्टैटिक पोर्शन पर से कुछ क्वेश्चंस किए। स्टैटिक पोर्शंस पर जो है मैंने जो है प्रथम वाला जो है भारत में प्रथम, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, छोटा, ये सारे सेक्शंस को कंप्लीट किए। बस इतने ही सिलेक्टिव स्टडी के तौर पे किया, और इतने ही टॉपिक्स मैंने किए, और एक दो टॉपिक्स जो थे और मैंने चुन चुन कर देखा कि प्रीवियस ईयर में ये चीज़ आ रही है, तो मैंने वो चुन चुन कर कंप्लीट किया। आपको भी इसी तरह जीके में सिलेक्टिव स्टडी करनी है, और मैक्सिमम टाइम इसमें डिवोट नहीं करनी, मैक्सिमम टाइम जो आपको डिवोट करनी है वो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में करनी। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के करंट्स के बारे में।
चूंकि करंट से जो है पहले जो है वो 3-4 क्वेश्चंस आते थे, 5 क्वेश्चंस, अभी भी वही 5-6 क्वेश्चंस ही आने के चांस है। तो अगर आप पूरे दिन इसमें लगे हुए हैं तो आप जो है स्मार्ट स्टडी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में खर्च कर रहे हो। करंट पोर्शंस का जो है मैंने, तो सबसे पहले जब मैं पटना पढ़ने गया था तो करंट के लिए मैं क्या करता था, वाईफाई स्टडी पर भूतेश सर की डेली 8 बजे सीरीज आती थी तो मैं वो करता था, लिखता था। लेकिन एक सप्ताह करने के बाद उसमें रेगुलरिटी भी मेरी नहीं रहती थी और फिर क्या होता था, मैं पढ़ता था और भूल जाता था। तो मेरे साथ बेसिकली यही प्रॉब्लम रहती थी। फिर बोला नहीं भाई, इससे तो मेरा नहीं होने वाला है, मुझे कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो क्या किया, मार्केट गया, वहाँ से स्पीडी 1 ईयर की कंपाइलेशन आती है, मैंने वो खरीदा और वो रीडिंग किया। बोला चलो ये मेरे टाइप का है, वो मैं पढ़ पढ़ के, फिर उसमें नोट्स नहीं बनाए, उसी को पढ़ के उसी में जो जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइटर रखा, उसको हाईलाइटर किया, और पूरा बुक नहीं बस एक रीडिंग, 2-3 बार रीडिंग दे दिया। उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह के आपको सेक्शंस वाइज करंट भी मिलते हैं और कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी आपको दी जाती है, तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं, वो आपको एग्जाम में रटना नहीं है, रीड कर सकते हैं, एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अभी आजकल लिटरेरिया की भी करंट की बुक चल रही है, वो भी मैं अभी फिलहाल खरीद के लाया था, तो वो भी लगभग सेम ही है, उसमें कुछ फोटो बना के दिया गया है, लेकिन मुझे जो है बेसिकली एसपीडी की करंट पसंद आई। तो बेसिकली यही सारी बुक लिस्ट को मैंने फॉलो की थी और इन्हीं तरीके से मैंने अपनी साइंस और जीके की प्रिपरेशन की थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और जैसे कि मैंने अभी तक प्रॉमिस किया था कि मैं क्वार्टर की वीडियो लाऊंगा, तो वो मैं पिछले हफ्ते ट्यूसडे को ही अपलोड कर दिया हूँ। तो आप अभी तक चैनल के बाकी सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें। थैंक यू।